राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सब प्रथम आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। और निर्जला एकादशी पर मेरे पास इतने मैसेज आ गए हैं दीदी, हमारे पीरियड्स का दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, चौथा दिन है, पांचवा दिन है, दीदी हम क्या करें, क्या ना करें, व्रत कैसे करें, पीरियड्स में व्रत कैप कर सकते हैं, कितने दिन बाद कर सकते हैं, नया व्रत स्टार्ट कर सकते हैं, अर्थात पीरियड्स और निर्जला एकादशी। तो मुझे लगा कि भाई मैं सबके अलग अलग मैसेज के रिप्लाई करने से अच्छा कि मैं एक वीडियो बना के सबका रिप्लाई कर दूं कि पीरियड्स का अगर कौन सा दिन चल रहा है तो आप एकादशी का व्रत रख सकते हो या नहीं रख सकते, नया व्रत प्रारंभ कर रहे हो तो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, पीरियड्स में निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, कौन से दिन चल रहा है कि पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो सारी वीडियो का समावेश आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया है, क्या पीरियड्स में निर्जला एकादशी का नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं? देखिए, अगर आपकी पीरियड्स है, पुराना व्रत कर रहे हो, कोई बात नहीं, कंटिन्यू रखोगे, लेकिन अगर आप नया व्रत प्रारंभ करने की सोच रहे हो और अगर आपके पीरियड्स का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन है तो आप नया व्रत प्रारंभ मत कीजिए। शास्त्रों में 3 दिन तक की बात कही गई है, चौथे दिन सर धोके आप खाना वाना बना सकते हो और पांचवें दिन आप पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं, शास्त्रों में ये बोला गया है। लेकिन अगर आप नया व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो मत कीजिए। हाँ, लहसुन प्याज वगैरह मत खाइए, अन्न मत खाइए, लेकिन नया व्रत प्रारंभ मत कीजिए इफ इन केस आपके पीरियड्स चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी एकादशी आती है जिसमें नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं अधिक मास को छोड़कर। अगर प्रारंभ करने की सोच रहे हैं पीरियड्स में तो मत कीजिए। दूसरा प्रश्न कि हमारे पीरियड्स आ गए हैं, क्या हम निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं? डेफिनेटली रख सकते हैं पीरियड्स में निर्जला एकादशी का व्रत। पीरियड्स का पहला दिन हो, एकादशी का व्रत रख सकते हैं। पीरियड्स का दूसरा दिन हो, एकादशी का व्रत रख सकते हैं। तीसरा दिन हो, एकादशी का व्रत रख सकते हैं। चौथा दिन हो, एकादशी का व्रत रख सकते हैं। पांचवा दिन हो, एकादशी का व्रत रख सकते हैं, लेकिन पूजा अर्चना वंदना नहीं करनी है। कोई और आपके नाम से संकल्प ले ले, आपके हस्बैंड ले सकते हैं, भैया ले सकते हैं, भाभी ले सकते हैं, मम्मी ले सकते हैं, पापा ले सकते हैं, आपको केवल नाम ही तो बोलना है संकल्प में, ठीक है ना। कोई और आपके नाम से संकल्प ले ले और आप YouTube के माध्यम से या Google के माध्यम से कथा पढ़ लीजिए, बाकी आपको प्रत्यक्ष रूप से पूजा नहीं करनी। मानसिक जाप करना है, जितना हो सके आपको मन में जाप करना है, प्रत्यक्ष रूप से पूजा अर्चना वंदना नहीं करनी है, लेकिन आप व्रत रख सकते हो। लेकिन शारीरिक कष्ट ज्यादा हो, क्योंकि पीरियड्स में कभी कभी ऐसे होता है कि बॉडी में से ना ब्लड निकल रहा होता है, ऑब्वियसली बात है, तो प्यास बहुत ज्यादा लगती है, बॉडी में पेन बहुत ज्यादा होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप पानी वगैरह इत्यादि, गाय का दूध वगैरह इत्यादि या भैंस का दूध वगैरह, पानी वगैरह और गाय का दूध पी सकते हैं, ठीक है, दूध पी सकते हैं, भैंस का और गाय का तो क्या, गाय का मिल जाए तो सर्वोत्तम है, नहीं तो दूध ही पी सकते हैं। अब हम, हमारा पीरियड्स का पहला दिन है, क्या हम पूजा कर सकते हैं? पीरियड्स का पहला दिन है, पूजा नहीं कर सकते। पीरियड्स का दूसरा दिन है, पूजा नहीं कर सकते। पीरियड्स का तीसरा दिन है, पूजा नहीं कर सकते। पीरियड्स का चौथा दिन है और आपके पीरियड्स केवल 2 या 2.5 दिन तक होते हैं, जैसे कि मेरे पीरियड्स 2 या 2.5 दिन तक होते हैं, इसके बाद इनफ, मैं तीसरे दिन सर धो कर लेती हूँ और चौथे दिन पूजा अर्चना वंदना कर लेती हूँ। सेम अगर आपके पीरियड्स 2.5 दिन होते हैं तो आप चौथे दिन पूजा कर सकते हैं। 3 दिन तक किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना वंदना नहीं कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान देना होता है। चौथे दिन आप पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं, पीरियड्स का पांचवा दिन है तब आप पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो, लेकिन सर धोना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, चाहे एकादशी हो चाहे दशमी तिथि हो, लेकिन सर धोना, सर से शुद्धता कब मानी जाती है? शुद्धता सर से मानी जाती है, ठीक है ना। तो ये सर धोना बहुत बहुत ज्यादा अनिवार्य, ठीक है। किसी किसी के पीरियड्स 5 दिन तक चलते हैं, ठीक है, 5 दिन तक कंटिन्यू पीरियड हो रहे हैं, तो आप पूजा अर्चना वंदना नहीं कर सकते। छठा दिन है तो पूजा अर्चना वंदना, नीचे से ब्लीडिंग हो रही है, लाइट लाइट ब्लड निकल रहा है, तो क्या हम पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। शास्त्रों में मैंने आपको बता दिया 3 दिन का नियम है, शास्त्रों में 3 दिन का नियम दे रखा है, लेकिन ये भी बोला हुआ है शास्त्रों में कि चौथे दिन आप सर धो सकते हैं और पांचवें दिन पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं, शास्त्रों में ये भी बोला गया। साथ ही के साथ अगर आप एकादशी का व्रत करते करते आपको पीरियड्स आ गए, फॉर एग्जाम्पल एकादशी का व्रत 31 तारीख को है और आप व्रत कर रहे हो और पीरियड्स आ गए, फिर
शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि अगर हमें शास्त्र कहते हैं कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हो उस समय पे हमें पीरियड्स आ जाते हैं, तो हमें वो धार्मिक अनुष्ठान संपूर्ण करना चाहिए, उसका हमें कोई भी पाप नहीं लगता है। वो धार्मिक अनुष्ठान हमें संपूर्ण करना है, अगर हमारे पीरियड्स आ गए हैं तो निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो हमें संपूर्ण करना है, वो हमें पूरा करना है। अब आप कहोगे दीदी द्वादशी तिथि पे व्रत का पारायण कैसे करें? द्वादशी तिथि पर एकादशी को पीरियड्स आ गए हैं तो द्वादशी तिथि पर आपको भगवान को स्नान वगैरह कोई और करा दे, आप कोई और करा दे, उसके बाद कोई वो जल जो भगवान के स्नान का जल है वो आपको दे दे, आप उस व्रत उससे आप पारायण कर सकते हैं, इसमें दान इत्यादि सब कर सकते हैं। तो शायद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि पीरियड्स में कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, पहला दिन है दूसरा दिन है तीसरा दिन है, सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिया। कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशा दीदी पे जाइए, कमेंट लिख दीजिए, वीडियो के माध्यम से आपको आंसर मिल जाएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे